थोड़ी देर में परिणाम इन लिंक का करें इस्तेमाल। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट आज किसी भी समय घोषित किया जा सकता है। इस रिजल्ट को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भी क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर देखा जा सकेगा। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट डेट की कोई ऑफिशियल तारीख घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेलवे अधिकारी अनुराज मोहन ने मीडिया में दिए बयान में कहा था कि रिजल्ट 17 फरवरी 2019 को घोषित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 1.89 करोड़ आवेदकों ने आवेदन किया था। वहीं 1.17 करोड़ आवेदक इस परीक्षा में बैठे थे और आरबी ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन 3 महीने तक चला था। यह परीक्षा 17 सितंबर को शुरू हुई थी, जबकि 17 दिसंबर को यह परीक्षा खत्म हुई थी। आज किसी भी समय रिजल्ट घोषित हो सकता है, इसलिए आवेदकों को लगातार आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी जाती है। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट रीजन वाइज देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। रिजल्ट के बाद देना होगा पेट। आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2018 के बाद आवेदकों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पेट देना होगा। इसमें महिला और पुरुष आवेदकों को अलग अलग तरह से अपनी फिजिकल फिटनेस का सबूत देना होगा। और आरआरबी ग्रुप डी पेट एग्जाम में पुरुष आवेदकों को 35 किलो का वजन 2 मिनट में 100 मीटर तक लेकर जाना होगा। इसके अलावा पुरुष आवेदकों को 1000 मीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। महिला आवेदकों को 20 किलो का भार 2 मिनट में 100 मीटर तक ले जाना होगा। साथ ही 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड 20 फरवरी के बाद जारी किए जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऐप शेयर